भाई ये बंदा ना सारे सामान यहीं से लेता है, फिर बोलेगा कि मैं यहाँ से नहीं लेता, आज पकड़ा जाएगा यहीं पे। हाँ जी सर, क्या कर रहे हैं आप इधर? ये लेगा कुमार मार्केट से वाले, कहाँ छुपा रहा भाई, पकड़ा गया है ये, वो भी 10-10 रुपए वाले। भारी भारी भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। प्रशासन अगले साल में 2-2 लाख का देगी प्लान। नहीं नहीं मैं वैसे बड़ी बड़ी घड़ी वाले भाई सस्ती है भाई। मैंने कुल्लू मनाली में 12 तारीख तक लगी है सेल, सब में डाल दो 12 तारीख तक है। हाँ दिवाली तक डाल दो। भाई यहाँ से मैं कल भी ले गया था जैकेट, जुगड़ ले गया ना, अच्छे जैकेट है यहाँ पे। तो स्वागत है आपके एक नए वीडियो के साथ, और आज आ रहा हूँ कुल्लू दशहरे की इंटरनेशनल मार्केट, स्पेशली चोर मार्केट शूज़ के लिए और कपड़ों के लिए कवार मार्केट। तो भाई वहाँ जा रहा हूँ मैं स्पेशली सर्दियों की शॉपिंग करने, बैग बुक मैंने डाल दिया है। तो ये मार्केट ना ऐसी मार्केट जैसे दिल्ली की सरोजनी मार्केट है, वैसी मार्केट ये दशहरे में लगती है। बहुत ही सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं, तो चलिए अब सीधे मिलते हैं। तो भाई साहब आज है संडे, और संडे में बहुत भीड़, इधर बहुत ज़्यादा भीड़, अब हर जगह आपको दिखेंगे भीड़। अभी जा रहे हैं हम जूता मार्केट, तो चलते हैं जूता मार्केट और जूता देखते हैं वहाँ पे। ये देखिए कितने का बता रहे? 25। जूता तो है ठीक सॉलिड है ना भाई, वुडलैंड का जूता है 2500। देख लो आपने क्या देना, जूता तो है पक्का, सोल नहीं पता लग रहा। सोल जूता तो पक्का है। ज़्यादा धूल है कि मार्केट में ना मुंह ढक के जाना पड़ता है, तो पहचानी नहीं जा रही शक्ल, जैसे कि मेरे को आप देख रहे होगे कि शक्ल भी नहीं पहचानी जा रही है, बहुत ज़्यादा धूल है इधर। लेकिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, और शूज़ बहुत महंगे रखे हुए इस बार, तो ज़्यादा सस्ते शूज़ नहीं है, तो 2500, 3000, 4000 के शूज़ रखे हुए हैं। तो सस्ता करके मतलब फिर भी ये 1500-2000 तक के दे देते हैं। भारी भारी भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। प्रशासन अगले साल में 2-2 लाख का देगी प्लान। नहीं नहीं मैं वैसे नहीं, इस बार तो 1,56,000 का दिया, अगली बार के लिए 2 लाख है। पीपल मेले को लिए थे, जो पीपल मेले भी आज ना आप इधर लगी थी शॉप, आए थे आप इधर? नहीं मैं इधर ही लगता, उसके बाद लास्ट में इस साइड लगाया था। हाँ मैं ले गया था उस टाइम लास्ट में, बाकी दौड़ में। हाँ 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 जब लास्ट में उठाने वाले थे ना उस टाइम ले गया था सूज में। घड़ी वाले सस्ती है भाई, मैंने कुल्लू मनाली में 12 तारीख तक लगी है सेल, सब में डाल दो 12 तारीख तक है। हाँ दिवाली तक डाल दो। क्या है चैनल सब्सक्राइब है भाई का? बिल्कुल भाई चैनल सब्सक्राइब है। सब्सक्राइब चैनल कौन सा नाम है? फिरवाना। आज सुबह यही कंपनी का चाहिए आज डब्ल्यू ए है ना। कौन सा मार्क? 500 में यही कंपनी के, और कौन सा मार्क? बहुत ज्यादा भीड़ है इधर भाई, छानना पड़ेगा, पर मिलेगा माल बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम लगाना पड़ेगा। इधर 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 यहाँ से कुछ भी ना ले, मुट्ठे बेकार माल। शटर क्यों नहीं हो रहा बंद है? मेरे को शटर बंद नहीं हो रहा है। सानी ले 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 हर माल देखो, बोलेगा शोरूम से ला लेके। ये भाई देख ये तो सही है ना, स्पोर्ट्स में ये बढ़िया। तो भाई साहब यहाँ पे सभी ना जान पहचान के मिल रहे हैं, एक दूसरे से शर्मा रहे हैं यहाँ से सामान लेने के, लेकिन लेते सब लोग हैं यहाँ से।
ये देखिए कितनी मस्त शर्ट से अंदर से गर्म है भाई साहब भी ले रहे हैं ना भाई शर्माना नीचे इधर तो ले लो और सर्दियों में काम आ जाते हैं बहुत ज्यादा हाँ लाइट वेट है पतला है और मस्त लग रहा है भाई। ये बंदा ना सारे सामान यहीं से लेता है फिर बोलेगा कि मैं यहाँ से नहीं लेता आज पकड़ा जाएगा यहीं पे। हाँ जी सर क्या कर रहे हैं आप इधर? ये लेगा कुमार मार्केट से वाले का छबारा भाई पकड़ा गया है। ये वो भी 10-10 रुपए वाले। ये देखो ये 50 रुपए का है। ये भी 50 रुपए के 50 रुपए ले लेते हैं पकड़ा गया है बंदा। सब लोगों ने यहाँ से कपड़े लिए होते भाई ये तो मेरा है मेरे पहन रहा है। तो भाई मैं ले रहा हूँ कंठी एक यहाँ पे देखते ये वाली काफ़ी लाइट वेट है तो चा लगाई हुई है इसको ले लेता हूँ भाई शायद कितनी आई गले तो पूरे गले में आई है। तो भाई अभी ले जा रहा हूँ मैं यहाँ से अचार स्वरघाट वाला बहुत फेमस अचार है कुल्लू में जब भी दशहरा लगता है तो बहुत से लोग यहाँ से ले जाते हैं। ठीक है ये टेस्ट के बाद ले तो गया था दो ना वो अलग अलग भाई दशहरे को ख़त्म हुए तकरीबन 4 दिन हो गए लेकिन भीड़ ना मतलब दिन ब दिन ज़्यादा ही होती जा रही है जैसे ही ख़त्म हो रहा है कि कबाड़ वाले ये तकरीबन बैठेंगे दिवाली तक और दिवाली तक बैठेंगे उसके बाद दिवाली के बाद ही जाएंगे। तो भाई अचार वगैरह लेके निकल गया हूँ मैं घर की तरफ और काफ़ी अंधेरा हो गया अब यहाँ से निकलना ही ठीक है क्योंकि ठंड भी हो जाती बाइक में बहुत ज़्यादा। तो ये वीडियो करने पड़ेगी यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय जय श्री राम।